हाँ जी मैम, करो स्टार्ट। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज थी, और जो जो चार्ज होता था नीचे वो वैनिशिंगली स्मॉल लेते थे ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पर कोई इफेक्ट ना पड़े, है ना। और फॉर्मूला किया था E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। उसके बाद हमने एक इसका किया था कि ये वाली डेफिनेशन परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट के लिए हमने क्या किया था, लिमिट क्यू नॉट अप्रोचेस टू जीरो एफ अपॉन क्यू नॉट, है ना। तो उसमें क्या था कि जो टेस्ट चार्ज की वैल्यू है हम बहुत स्मॉल लेते हैं। तो आज का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हम कैसे करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट था जो माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पहले लाइंस ऑफ फोर्स का नाम ही दिया गया था, बाद में ये वाला नेम इतना सूटेबल नहीं लगा तो इसका चेंज करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोल दिया गया। ये वाला कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया? ये इसलिए इंट्रोड्यूस किया ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के नेचर को विजुलाइज कर सकें। जैसे जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में करते हैं वैसे ही अगली यूनिट 3-4 में हम मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। जिस तरह से हम जैसे जैसे इस यूनिट में टॉपिक कर रहे हैं ना, इसी तरह सेम टू सेम टॉपिक्स मैग्नेटिक वाली यूनिट में भी आएंगे। बस उसमें फर्क होगा कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे हम चार्ज एट रेस्ट पढ़ रहे हैं, वहां पे हम चार्ज इन मोशन पढ़ेंगे। तो बहुत प्रॉपरली अंडरस्टैंड करो ताकि नेक्स्ट यूनिट भी सारी यूनिट्स लिंक्ड हैं तुम्हारी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कैसे बनती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फर्स्टली तो इसका कॉन्सेप्ट इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को विजुअलाइज कर सकें, उसको देख सके प्रॉपरली कि इनका नेचर क्या है, ठीक है। एक कैसे करते हैं हम विजुलाइज कि अगर हम एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें, ठीक है, जैसे ही हम पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, वो चार्ज एक्सपीरियंस करेगा फोर्स का इफेक्ट, उसके ऊपर फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी और वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में, किसी फिक्स डायरेक्शन में लगेगी और वो उस डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री होगा, मतलब वो विल स्टार्ट मूविंग इन दैट डायरेक्शन, वो मूव करने लगेगा उस डायरेक्शन में, ठीक है। तो उस पाथ को, जिस पाथ के अलोंग चार्ज मूव करता है, जब हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पाथ को ही हम लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है कि अगर हम किसी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो क्या होता है, वो एक्सपीरियंस करता है फोर्स, उसको उसके ऊपर फोर्स का इफेक्ट होने लगता है और वो उस फोर्स की वजह से किसी एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करने लगता है, और जिस डायरेक्शन में मूव करने उसमें वो फ्री होता है कि उसमें वो मूव कर सकता है, और जो वो पाथ फॉलो करता है मूव करते टाइम, उसी पाथ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ फोर्स। इतना क्लियर हुआ सबको, यस और नो? यस मैम, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम ऐसे दे सकते हैं कि एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं एज द कर्व अलोंग विच अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज वुड टेंड टू मूव व्हेन फ्री टू डू सो। देखो ये कर्व भी हो सकती है, लाइन भी हो सकती है, ठीक है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कर्व के अलोंग, जिसके अलोंग स्मॉल पॉजिटिव चार्ज क्या है, फ्री है कि वो मूव कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है। और ये तो हो गया हमारी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। और जो टेंजेंट हम जिस पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट किसी भी पॉइंट के ऊपर, उस लाइन पे अगर हम उस कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है कि हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से उसके ऊपर फोर्स लगी, तो उस फोर्स की वजह से वो किसी डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करने के एबल हो गया कि वो फ्री है कि अब वो इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है।
ठीक है, और जिस डायरेक्शन में वो मूव करने के फ्री हुआ है उसी डायरेक्शन में वो टाइम के साथ मूव करने लगेगा, तो उसी चीज को हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोलेंगे, ठीक है। और उस वो एक कर्व भी फॉर्म हो सकती है ना, तो जो वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को हम एक कर्व की तरह डिफाइन करते हैं, और जो वो कर्व होती है उसके किसी भी पॉइंट पर हम उसके अलोंग टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और जो वो टेंजेंट होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है हमें, ठीक है। तो ये होगी प्रॉपरली डेफिनेशन। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से देखो, ये ड्रॉ करके दिखाया हुआ है कि हमने एक कर्व ले ली पी क्यू आर, एक कर्व बनाई है, ये कर्व कैसे बनाई है, हमने कोई चार्ज लिया और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, उसके ऊपर फोर्स का इफेक्ट शो हुआ और वो चार्ज इस कर्व के अलोंग ये पाथ फॉलो करता हुआ ऐसे ऐसे मूव कर गया, ठीक है, और उसी के अलोंग हमने ये कर्व बना लिया। अब इस कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट के ऊपर अगर हम टेंजेंट बना लें ऐसे, ठीक है, जो लाइन कर्व को टच करके निकल रही है वो टेंजेंट बना लें, ड्रॉ कर लें, तो वो टेंजेंट किसकी डायरेक्शन शो करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई पी, ऊपर की और लॉन्ग शो हो रही है, वर्टिकल है ना। क्यू पॉइंट पर थोड़ी ऐसे है, और आर पॉइंट पर नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें दिख रही है। समझ आई डायग्राम ये वाली, यस और नो? हाँ जी मैम, ठीक है। बट देखो आगे लिखा है कि लाइंस ऑफ फोर्स हैं जो वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, दे आर इमेजिनरी कर्व्स, ठीक है, रियली हमें रियल में नहीं दिखती, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट चार्ज के ऊपर होता है। लाइंस नहीं दिखती रियल में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को और फोर्स को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ लाइन, जबकि ये रियल में एग्जिस्ट भी नहीं करती, इनको इमेजिन करके कर्व्स की फॉर्म में बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी जो इनका कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है। माइकल फैराडे ने बहुत सारी चीजों की डिस्कवरी की है सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ, ड्यू टू दीज लाइंस ऑफ फोर्सेस इन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की डिस्कवरी में, ठीक है। तो बहुत जगह पर सिंपल हो गई है कैलकुलेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो इनको इमेजिनरी कर्व्स भी बोला जाता है ना, बिकॉज फील्ड पर जो फील्ड होता है वो रियल होता है, जैसे मैंने पहले बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट शो होता है वो तो रियल है, लेकिन जो लाइंस ऑफ फोर्स की हमने कर्व ड्रॉ की है वो रियल नहीं है, उनको हमने इमेजिन किया है कि जिस तरफ इफेक्ट फील हो रहा था। और उसके बाद ये भी लिखा है कि जो लाइंस ऑफ फोर्स की टर्म थी वो क्या थी, मिसलीडिंग थी, और अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोले तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है, और मैग्नेटिक वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। फील्ड लाइन क्या होती है, एक स्पेस कर्व है, थ्री डायमेंशन में है, ठीक है, ये क्या है, स्पेस में है, फील्ड लाइन कहीं भी है, तो हम इसको थ्री डी में बोल सकते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे ही एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने फाइंड आउट किया और ये चीज प्रूव हुआ वहां से, ये प्रॉपर्टीज है इनकी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज की। सबसे पहले तो लाइन्स ऑफ फोर्सेज हमेशा कॉन्टिन्यूज होती है, स्मूथ कर्व होती है, और इनके बीच कोई ब्रेक नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है कि सेंटर से हम कर्व को तोड़ दें फिर से शुरू हो जाए, वो अलग होगा, ठीक है, ये हमेशा कॉन्टिन्यूसली ही चलती रहती है विदाउट एनी ब्रेक। और लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट होती है हमेशा कहाँ से, पॉजिटिव चार्ज से, और एंड होती है नेगेटिव चार्ज से। ये भी एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का और फोर्स का जो पाथ को जब फॉलो किया गया, उस एक्सपीरियंस को चेक किया गया, तो ये चीज प्रूव हुई, जो लाइंस ऑफ फोर्स थी उनकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से, तो वो स्टार्ट हो रही थी मतलब पॉजिटिव से दूर जा रहा था, है ना, और नेगेटिव पर एंड हो रही थी मतलब नेगेटिव की तरफ आ रही थी इनवर्ड्स, ठीक है। और ये कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती, अगर हमारे पास सिंगल चार्ज हो तो लाइंस ऑफ फोर्स क्या करेंगी, चार्ज तो हो जाएंगी चार्ज के ऊपर से, लेकिन एंड कहाँ पे होंगी, इन्फिनिटी के ऊपर, ठीक है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं लाइन ऑफ फोर्स पे वो क्या बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, जो हमने ऊपर डायग्राम में किया है। उसके बाद नो टू लाइन्स ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, कोई भी दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, देखो रीजन भी दिया है कि अगर टू टेंजेंट्स हो
है ना हमारे पास, और वो दोनों इंटरसेक्ट कर जे, अगर इंटरसेक्ट कर गई दो टेंजेंट्स तो देखो वो कैसे बनेगा, तो क्या है अगर हमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर ली तो क्या हो जाएगा, वहां पे दो 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 लाइंस को इंटरसेक्ट करवा दिया अगर, है ना, तो क्या हो जाएगा वहां पर, तो दो दो टेंजेंट्स बन जाएंगी, डिफरेंट डिफरेंट टेंजेंट्स, लेकिन एक पॉइंट के ऊपर तो एक ही टेंजेंट होती है, अगर हमने टू लाइंस को कट करवाया तो वहां तो हमें मान लो एक लाइन ऑफ फोर्स ये है और एक लाइन ऑफ फोर्स ये है, अब देखो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो गया, इस पे अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो इसके अलोंग जो टेंजेंट बनेगी ऐसे बनेगी, और इसके अलोंग दूसरे वाली लाइन ऑफ फोर्स के अलोंग जो टेंजेंट बनेगी वो ऐसे बनेगी, है ना, तो इसकी डायरेक्शन अलग साइड हो गई और एक ही पॉइंट पे, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी अलग साइड हो गई, इधर भी हो सकती है और इधर भी, तो एक पॉइंट सिंगल पॉइंट पे अगर दो लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को कट कर जाती हैं तो क्या होता है कि एक ही पॉइंट पर दो दो टेंजेंट बनने लगेंगी, ठीक है, तो दो टेंजेंट है अगर तो दो डिफरेंट डायरेक्शन है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि सेम पॉइंट पर दो डिफरेंट डायरेक्शन हो, है ना, इसीलिए नो टू लाइंस ऑफ फोर्स कैन क्रॉस ईच अदर। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, देखो ये ड्रॉ भी किया हुआ है, ठीक है, कि हमने क्या लिया, एक कर्व ऐसे बनाई और सेकंड वाली कर्व लाइन ऑफ फोर्स, है ना, दो लाइन ऑफ फोर्स को क्या शो कर दिया कि वो इंटरसेक्ट करेगी, और जब वो इंटरसेक्ट करी तो क्या हुआ, इसके ऊपर अगर हमने टेंजेंट बनाई तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये बन रही थी, इसके ऊपर ये, लेकिन हमने तो प्रॉपर्टी की है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की एक टेंजेंट के ऊपर जो भी पॉइंट होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होगी, तो यहाँ पे एक पॉइंट के ऊपर दो दो टेंजेंट है तो डायरेक्शन भी दो दो है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, है ना, तो इसीलिए नो टू लाइन्स ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, लाइन ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर ऑन विच द चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, अगर हमारे पास चार्ज क्या है इक्विलिब्रियम में है तो उस केस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम में तो कोई करंट ही नहीं फ्लो करेगा, है ना, चार्ज तो इक्विलिब्रियम की पोजिशन में है, तो उस केस में लाइन्स ऑफ फोर्सेज क्या होती हैं, नॉर्मल होती हैं टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर परपेंडिकुलर, ठीक है, अगर ये नॉर्मल नहीं होंगी हमारे पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैरेलल हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगेंगे, मूव करने लगेंगे और करंट सेटअप कर देंगे, जो तो पॉसिबल ही नहीं है, इक्विलिब्रियम में तो करंट फ्लो ही नहीं कर सकता अगर चार्ज इक्विलिब्रियम में है, तो इसीलिए ये वाली प्रॉपर्टी है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि लाइंस ऑफ फोर्सेस के पास टेंडेंसी होती है कि वो कंट्रैक्ट कर सकती हैं लेंथ वाइज, ठीक है, लेंथ वाइज कंट्रैक्शन हो सकती है उनकी, मतलब वो बिकॉज अट्रैक्शन होती है, अनलाइक अगर अनलाइक चार्जेस हैं हमारे पास काफी सारे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो एक चार्ज से लाइन ऑफ फोर्स निकली पॉजिटिव से, एक नेगेटिव से लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ हुई, लेकिन उन दोनों के बीच अगर अट्रैक्शन होगी तो लाइन ऑफ फोर्स की जो जो पाथ है वो शॉर्ट हो सकता है ना, कंट्रैक्ट हो सकता है ड्यू टू अट्रैक्शन। और अगर रिपल्शन हो उसी तरह, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में अगर रिपल्शन हो तो सिमिलर चार्जेस हो तो रिपल्शन होगी, अगर रिपल्शन होगी तो उनके पास टेंडेंसी है कि वो एक्सटेंड कर सकती हैं, है ना, तो वो क्या हो सकती है, लाइन ऑफ फोर्स ज्यादा लंबी हो सकती है, उनकी लेंथ कंट्रैक्ट भी कर सकती है, एक्सटेंड भी अकॉर्डिंग टू अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, लाइन्स ऑफ फोर्सेज क्या बताती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताती हैं, जितनी लाइन ऑफ फोर्सेज हम ज्यादा ड्रॉ करेंगे, है ना, जितना नियर होगी
हमने 10th में भी मैग्नेटिक फील्ड में किया था कि मैग्नेट के एंड्स के ऊपर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू स्ट्रांग होती है, बिकॉज वहां पर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं और क्लोज होती हैं, है ना, और जहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्सेस फार अपार्ट होंगी, एक दूसरे से दूर होंगी, वहां पे फील्ड को हम बोल देंगे कि क्या है, वीक है। और यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्सेस जैसे कल किया था, एक यूनिफॉर्म एक नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कहाँ होंगी, जब पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड लाइंस बन रही है हमारे पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, यूनिफॉर्म। और उसके बाद है लाइन्स ऑफ फोर्सेज डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास नहीं करती, क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो इनसाइड चार्ज कंडक्टर, वो जीरो होता है। इसका रीजन कोई बता सकता है कि इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो क्यों होती है, एनीवन? कि कोई भी चार्ज कंडक्टर है अगर हमारे पास, उसके अंदर, उसके बाहर नहीं, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा जीरो होती है अगर क्लोज्ड कंडक्टर है हमारे पास। कैन एनीवन टेल? यस और नो? एनीवन नोज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड अ चार्ज कंडक्टर इज जीरो, वाई? दोबारा दस्यो मैम क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज, क्लोज्ड कंडक्टर ले लिया, मान लो एक वायर ले ली, है ना, उसको बिल्कुल बंद कर दिया, गोल है सर्कुलर शेप में, उसके बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, क्यों? देखो ये लाइन यही लिखी है, 9th प्रॉपर्टी वाली पढ़ो। द लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। लाइन ऑफ फोर्स कंडक्टर के अंदर से पास नहीं करती, क्यों नहीं करती? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड अ चार्ज कंडक्टर इज जीरो। हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया था कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग में ऑफलाइन क्लास में, है ना, तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता था, कंडक्टर के आउटसाइड सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, लेकिन अंदर तो चार्ज ही नहीं होता था। जब अंदर चार्ज ही नहीं है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। याद आई चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन, के कोई कंडक्टर लिया है ना, तो उसके अराउंड प्लस प्लस के जो हम चार्ज बनाते थे वो उसके अराउंड आउटसाइड सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होते थे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है चार्ज हमेशा। हमने टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन वाले में भी किया था, उसमें भी जब हमने चार्ज किया किसी बॉडी को तो चार्ज लास्ट पर क्या हुआ था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ था आउटसाइड सरफेस के ऊपर, है ना। तो अंदर तो कंडक्टर, अगर क्लोज्ड कंडक्टर है उसके अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, अगर चार्ज नहीं है तो इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो लाइन ऑफ फोर्स कैसे पास करेगी, बिकॉज लाइन ऑफ फोर्स तो तब ही बनती है जब हम किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं। अंडरस्टैंड? यस और नो बेटा? यस मैम। ठीक है।